हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, और जो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानेंगे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोर एरिया। कोर एरिया का मतलब होता है कि जो एक ऐसा एरिया जो एंटायरली सिक्योर्ड है और प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है इसका, और ये कुछ प्रजर्वेशंस जो होते हैं लैंडस्केप में उसमें ये कुछ कंट्रीब्यूट करता है। इकोसिस्टम हो गया, स्पीशीज होगी, जेनेटिक वेरिएशंस होगी, इन सबको ये प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। बफर जोन उसे कहते हैं। ये एक एडजॉइंस कोर एरियाज हैं जो यूटिलाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को कंपैटिबल के साथ साथ एक साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं, और ये फोर्टिफाइड करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को। और तीसरा है ट्रांजिशन एरिया। ये एक ऐसा पार्ट है रिजर्व का जहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्टिविटी जो है वो परमिटेड होती है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज़ सस्टेनेबल। अच्छे सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। तो जान लेते हैं यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कवर करता है ग्लोबली प्रोटेक्टेड एरियाज़, और ये कंसिस्ट करता है वाइब्रेंट और इंटरैक्टिव नेटवर्क ऑफ साइट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्शंस में है। प्रमोट करता है हार्मोनियस एसिमिलेशन लोगों का जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं इन डिफरेंट वेज। और इफ़ वन कंट्री डिक्लेयर वन एरिया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इट कैन नॉमिनेटेड द सेम टू अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। अगर एक कंट्री जो है वो एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है तो वो सेम जो एरिया है उसको यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत भी वो नॉमिनेट कर सकती है। इफ़ यूनेस्को एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर यूनेस्को जो है गवर्नमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में एंट्री मिल जाएगी। रिसेंटली जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया का है इंक्लूड किया गया है, जो लिस्ट है 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स की फ्रॉम द 122 कंट्रीज़ में, इसमें जो एडिशन हुआ है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का 11th ऑफ द 18th बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द कंट्री आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। अब ये डिसीजन जो है वो लिया गया था जुलाई 2018 को 13th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, जो कि पालेमबांग इंडोनेशिया में हुआ था। हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेट्स में जो कुछ नेम हैं प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट उसको हम देख लेते हैं। जो पहला है सुंदरबन, जो 2001 में इसको डिक्लेयर किया गया था, जो कि स्टेट जो है वेस्ट बंगाल वहाँ पे पड़ता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में पड़ता है। पंचबड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। नोकरेक जो है वो मेघालय में है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है, और जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है, और जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है वो ग्रेट निकोबार में है, और अचनंग कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और जो अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरला व तमिलनाडु में पड़ता है, और जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है वो पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम की वहाँ पर पड़ता है। और यूनेस्को की जो प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया की वो देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अनाउंस्ड किया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन के ज़रिए, और गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है इनको अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आफ्टर लिस्ट एस्टेब्लिश्ड एट द बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें से 18 हैं, कौन कौन सी है देख लेते हैं। नीलगिरी जो है वो 1886 में इसको पार्ट ऑफ द वायनाड, ये पार्ट है वायनाड की, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवनी हिल्स जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को कवर करती हैं। नीलगिरी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि जो नीलगिरी है वो किन किन लोकेशंस को स्टेट्स को कवर करती है,
तो किस किस बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क को कवर करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पार्ट ऑफ द वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबुर, साइलेंट वैली और सिरुवनी हिल, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है। इन सब नेशनल पार्क्स को ये कवर करता है। नंदा देवी जो 1988 में इसको नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, पार्ट ऑफ द चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये पाया जाता है। नौकरी जो है 1988 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये पार्ट ऑफ द गारो हिल मेघालय में पाया जाता है। ग्रेट निकोबार जो कि 1989 में सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड में ये पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो 1989 में इसके अंदर डाला गया था, और ये इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है वो पाया जाता है। और मानस जो कि आपको पता है कि 1989 में इसको इस यूनेस्को के अंडर डाला गया था, और पार्ट ऑफ कोकराझार और बोंगई गांव एंड बारपेटा, नालबरी एंड कामरूप एंड दारांग डिस्ट्रिक्ट असम में पाया जाता है। सुंदरबन 1989 में जो कि पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सिमलीपाल जो है 1994 में इसको नोटिफाई किया गया था एंड पार्ट ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तर उड़ीसा में ये पाया जाता है। डिब्रू सिखोवा जो है वो 1987 में इसको किया गया था नोटिफाई इसके अंडर, और ये जो डिब्रूगढ़ है तिनसुखा डिस्ट्रिक्ट असम में पाया जाता है। दिबांग दिहांग जो कि 1998 में इसको जारी किया गया था इसके अंडर, पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली एंड अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। पंचमढ़ी 1999 में पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कंचनजंगा 2000 में इसको अनाउंस किया गया था एंड पार्ट ऑफ द कंचनजंगा हिल एंड सिक्किम में ये पाया जाता है। अगस्था मलाई जो है वो 2001 में इसको इसके अंडर लाया गया था। नैयार पेपरा एंड सेंदोर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजॉइनिंग एरिया इन द केरला में ये पाया जाता है। और अचन कंवर अमरकंटक ये 2005 में इसको जारी किया गया था। कवर पार्ट्स ऑफ द अनूपपुर एंड दिंदौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में इसको पाया जाता है। कच्छ जो है 2008 में पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर, पतन, सेवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में ये पाया जाता है। कोल डेजर्ट 2009 में इसको ये इसके अंडर लाया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर। पिन वैली नेशनल पार्क सराउंडिंग एंड चंद्रताल सरचू किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। सियाचलम हिल जो है 2010 में इसको इसके अंडर लाया गया था। सियाचलम हिल का रेंज जो है वो चित्तौड़ और कटबारा डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का इसको कवर करता है, यहाँ पे ये पाया जाता है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पार्ट ऑफ पन्ना छत्तापुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, राइट। तो ये था आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको थोड़ी इसमें रिवीजन के लिए थोड़ा हेल्प मिला होगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी और आपका रिवीजन ताकि होता रहे। तो दैट इज़ इट आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।